लोकेंद्र कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू सेंट्रीफाइड मैथ। सो हम लोग जो है एसएससी सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे मैथ्स का, जो कि कब कंडक्ट किया गया था, 29 जनवरी 2022 में। रीज़न क्या था इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने का, कि जिससे कि रीज़न ये था कि इस पेपर को डिस्कस करते ही हम लोग को क्या रिसेंट ट्रेंड पता लगेगा, एक तो मैथ्स के क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं जो एसएससी पूछ रहे हैं रिसेंटली, ठीक है, जो कि हेल्प करेंगे आपको सीजीएल मेंस 2021 में एंड सीएचएसएल मेंस 2021 के, ठीक है। इसी के साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC जो 2022 में कंडक्ट होने वाला है, ठीक है, जिसका रिक्रूटमेंट अभी निकला है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है और किसी भी वे में अगर आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करता है, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि स्टडी द गिवन पाई चार्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, ठीक है। पाई चार्ट दिया हुआ है, ये पाई चार्ट है, दो पाई चार्ट दे दिए। ये वाला पाई चार्ट क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन डिग्रीज वाइज ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स ए बी एंड सी डी, ठीक है, ए बी सी डी एंड ई, ये डिग्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया स्टूडेंट्स की, ठीक है। उसके बाद ये बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड वो कितना है, 1200, ठीक है, उपस्थित छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 1200। उसके बाद नेक्स्ट जो पाई चार्ट दिया हुआ है वो क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स परसेंटेज वाइज, ठीक है, पहले तो क्या दे दिया, डिग्री वाइज स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जो एग्जाम में बैठे थे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ए बी सी एंड डी एंड ई, ठीक है। नेक्स्ट जो पाई चार्ट दिया हुआ है वो स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है परसेंटेज वाइज जो एग्जामिनेशन को पास किए हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ए बी सी डी एंड ई, ठीक है, ये दो पाई चार्ट दे दिया, इसको स्टडी कर लिया। उसके बाद बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इज 900। तो ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है विच इंस्टीट्यूट हैज़ द हाइएस्ट सेकेंड हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड टू द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट। तो इसमें डायरेक्टली हम लोग को क्या पूछना है, क्या पूछा गया है कि हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड, जो स्टूडेंट्स जिस इंस्टीट्यूट से सबसे ज़्यादा पास हुए हैं उसका सेकेंड हाइएस्ट, तो सबसे ज़्यादा पास किस सेक्शन में, किस इंस्टीट्यूट में हुए, इंस्टीट्यूट नंबर सी, ये फर्स्ट हाइएस्ट है। देन सेकेंड हाइएस्ट किस में, ऑप्शन सेकेंड हाइएस्ट किस में, इंस्टीट्यूट नंबर डी में, कितने, 28%। तो 28% बच्चे जो हैं डी में, 28% ऑफ पास्ड स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, 28% कितना होगा 900 का, 972 ऐसे लगा, 7 9 2 9 18 18 7 52, तो ये पास्ड हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है। टू द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट, कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे डी में, 105 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हो गया, कट जाएगा इससे, 12 तिया 12 एकम 12 12 तिया 36 3 एकम 3 3 3 9 3 5 15 कितना हो जाएगा, 350। तो क्या पूछा है, पास्ड टू द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स टू हु पास्ड टू द टू द स्टूडेंट्स हु अपीयर फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट। तो 252 डिवाइडेड बाय 350 मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉरी इधर से दिख नहीं रहा होगा आपको, इसको यहाँ से हटा के यहाँ से हटा देता हूँ उसको, और इसको हटा के मैं लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 252 डिवाइडेड बाय 350 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 से 0 5 2 10 5 7 35 7 21 7 42, तो कितना हो गया, 72%।
72% यहाँ पे। तो ये फर्स्ट हाईएस्ट है कि सेकंड हाईएस्ट है? तो फर्स्ट हाईएस्ट तो ये रहा 30%। अगर मैं देखूँ इसको, मैंने इसको क्रॉस चेक किया था कि जैसे 30% सबसे पहला हाईएस्ट होगा, तो 30% ऑफ पास्ट मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है 900, तो कितना है? होती है 27, 270। अब 270 जो है, 270 जो है किसका, जो अपीयर्ड है, अपीयर्ड कितने थे सी में, सी में अपीयर्ड कितने थे 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 12, सो ठीक है 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 आते 36 3 9 300, तो 300 आ गया, ये 100 आया, इसका परसेंटेज कितना आएगा 0000027, तो ये 90 हो गया। तो ये फर्स्ट हाईएस्ट है, फर्स्ट हाईएस्ट इज सी, सेकंड हाईएस्ट क्या है डी, सेकंड हाईएस्ट, और यही आपसे क्या है पूछा गया, डी क्यों आया सेकंड हाईएस्ट, क्योंकि डी में अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स ये भी ज्यादा है, मतलब 90 नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स कितने हैं 105 डिग्री, ठीक है, और नंबर ऑफ पास्ड, क्योंकि उसने पूछा था नंबर ऑफ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड टू द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट, तो सबसे पहले मैंने देखा कि नंबर ऑफ, सबसे पहले क्या देखा मैंने कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड वो किसका है, सी का है, ठीक है 30%, उसके बाद क्या है डी है, तो यही सेकेंड हाईएस्ट होना चाहिए, तो डायरेक्टली मैंने क्या किया, मैंने डी को उठाया, और डी को उठा के नंबर ऑफ पास निकाला मैंने, फिर उसके बाद नंबर ऑफ अपीयर्ड निकाला, दोनों का फिर परसेंटेज निकाला, आंसर आया, ठीक है। सो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 4 मीटर, ओके, इफ 3 times ऑफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स 2 circular faces is twice the area of its curved surface, then the capacity of the tank is, ठीक है क्या बोला है कि जो सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, ठीक है एक दो सिलेंडर है, इसकी बेस रेडियस कितना है 4 meter, ठीक है, इफ 3 times द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स 2 circular फेसेस, इसका पाई आर स्क्वायर है, इसका भी पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, इन 2 circular फेसेस का सम कितना हो जाएगा 2πr², इसका 3 times thrice ऑफ दिस इज इक्वल टू द ट्वाइस द एरिया ऑफ इट्स curved सर्फेस, curved सर्फेस का ये कितना होता है 2πrh, सॉल्व करेंगे 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, 1r से 1r गया, यहाँ पे क्या बचा 3r, और यहाँ पे क्या बचा 2h, देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, तो सिलेंडर है तो इसकी कैपेसिटी वॉल्यूम क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई का पाई रहेगा, आर का आर कितना दे दिया, आर गिवन है हम लोग को 4 meter, तो 3 × 4 = 2h, तो एच कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 4 2 बार कैंसिल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एच इज़ टू 6, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाइड बाय एच, एच कितना है 6 16 6 96 96 पाई किलो लीटर्स, ठीक है ये इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि 2x² + 5x + 1 = 0, देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x - 1/2x इज क्या होगा, ठीक है क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² + 5x + 1 = 0, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2x + 1/x = -5, क्या किया मैंने x डिवाइड कर दिया,
ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स प्लस वन बाई टू एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाइव बाई टू। अब इसका क्या कर लेते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर नहीं करके तो मैं क्या कर लेता हूँ इसमें एक्स, एक बार स्क्वायर कर लेते हैं इसको, ठीक है, स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई टू एक्स इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई चार, एक्स एक्स कैंसिल, टू से टू कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया 25 बाई फोर माइनस वन इज इक्वल्स टू, कितना इनको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 21 बाई फोर। अब क्या करना है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई फोर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस वन इधर रखना है और माइनस वन ही उधर करना है, ठीक है, तो ये तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 17 बटी चार, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस वन बाई टू एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 डिवाइडेड बाई फोर। आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस वन बाई टू एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा, रूट 17 डिवाइडेड बाई टू, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 355 रुपीज 355 देन देयर इज अ लॉस ऑफ 29% एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेन 31% ऑफ द प्रॉफिट। क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस किसी आर्टिकल को बेचा गया है कितने रुपए में, 355 रुपीस में, ठीक है, कितने लॉस परसेंटेज पे, 29% में, फ्रैक्शन चेंज करेंगे 29/100, ये क्या है आपका सीपी, ये क्या है आपका लॉस, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 71, ये क्या आ गया एसपी जो कितना दिया हुआ है 355, 71 किसके बराबर हो गया 355 के, तो वन वैल्यू किसके बराबर होगी 5 के, 5 के 5 5 से 35 5 के, तो सीपी कितना हो गया, सीपी कितना हो गया एक एक वैल्यू किसके बराबर है 5 के, तो सीपी कितना हो गया 100 इंटू 5 इक्वल्स टू 500। अब बोला है कि एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेन द 31% ऑफ द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो है किस पे होता है हमेशा सीपी पे, तो कितने पे बेचा जाए, कितने पे बेचा जाए, तो सेलिंग प्राइस 500 और कितने प्रॉफिट पे 31% पे प्रॉफिट पे, तो कितना आ जाएगा 5 × 5 × 15 × 5 × 5 × 5 = 655 रुपीज में अगर ये बेचा जाएगा तब उसको 31% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 है, क्या कहता है, वन कप हैज जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:2 व्हाइल अनदर कप ऑफ द सेम कैपेसिटी हैज देम इन द रेशियो ऑफ 7:4 रिस्पेक्टिवली इफ कंटेंट्स ऑफ बोथ द कप्स आर पोर्ड इन अ वेसल देन व्हाट विल बी द फाइनल रेशियो ऑफ वाटर टू द जूस इन द वेसल। तो क्या दिया हुआ है, दो कप है, ठीक है, दो कप्स हैं, कप वन में जो है जूस टू वाटर रेशियो कितना दिया हुआ 5:2, सेकेंड कप में जो है जूस और वाटर का रेशियो जो है 7:4 दिया हुआ, ठीक है। क्या बोला है उसके बाद, इफ द कंटेंट्स ऑफ बोथ द कप्स आर पोर्ड इन अ वेसल, तब दोनों कंटेंट्स को किसी एक वेसल में खाली किया जाता है तो क्या करता है, तो उसके बाद बताना है कि जो रेशियो होगा वाटर टू जूस का वो क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होगा कि दोनों कप जो है जब किसी एक वेसल में यूज़ किए खाली किए जाते हैं तो दोनों की क्वांटिटी क्या हो जाती है, एक जैसी हो जाती है, सेम हो जाती है, मतलब दोनों की क्वांटिटी जब सेम होगी तो मतलब अगर फर्स्ट की क्वांटिटी यहाँ पे जूस एंड वाटर की अगर देखें तो 7 है और सेकेंड में जूस एंड वाटर की जो क्वांटिटी है वो कितनी है 11, ठीक है, तो इनको सेम बनाना है, इसको इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं 17 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22, इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 49,
सात चौक 28, ऐड करूँगा कितना आ जाएगा 14, 5 और 9 और 1 10, 10 और 50, 2 से कट करूँगा, 2 5 10, 2 2 4 और 25। ये क्या, ये कौन सा रेशियो है जूस टू वाटर का, किसके अंदर, वेसल के अंदर। हमें क्या पूछना है, वाटर टू जूस रेशियो, वाटर टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या पूछा है, वाटर टू जूस का रेशियो पूछा है, वो कितना हो जाएगा 25:52 इज द राइट आंसर, 25:52 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इस क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बीज इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। ठीक है, इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर देन व्हाट परसेंटेज आर द सेविंग्स ऑफ, आर द सेविंग्स ऑफ ए मोर देन बीज सेविंग्स। तो क्वेश्चन ये है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है अभी, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए की जो इनकम है वो 80% ऑफ बी की इनकम के बराबर है। ए की जो इनकम है वो बी की इनकम के 80% के बराबर है, तो 80 का फ्रैक्शन को तो सॉल्व करूंगा तो 2 4 8 2 5 10 ये आ गया, तो a by b या a is to b, ये 4:5 आ गया, ये क्या आ गया इनकम का रेशियो आ गया। इसके बाद एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या कहता है कि एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, 60% मतलब बहुत ही अच्छे 2 5 10। ठीक है, तो ये बी का एक्सपेंडिचर आ गया, ये ए का एक्सपेंडिचर आ गया। अब क्या बोला, इफ द इनकम ऑफ ए, ए की इनकम, मेरी ए की इनकम ए इज इक्वल टू द 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर क्या आ गया 5 आ गया। ये हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ए की इनकम तो 4 है, उसने एक्सपेंड कर दिया 3, सेव कितना किया 1 का, बी की इनकम 5 है उसने एक्सपेंड कर दिया 5 का, तो सेव कितना किया 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग को जो कंडीशन दिया हुआ उसको देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि किस तरह का होगा। तो 9 5 45 / 10, ठीक है, तो 10, तो 4 की वैल्यू क्या होगी 9/2। ठीक है, तो ए का जो एक्सपेंडिचर था वो कितना आ गया, ए की इनकम जो है, ए की इनकम कितनी आ गई 9/2, ये 5, सेकेंड जो इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, एक्सपेंडिचर सेम। ठीक है, तो अब सेविंग्स पता करना है, सेविंग्स कितनी ज़्यादा है, ए की सेविंग्स बी की सेविंग्स से कितना ज़्यादा है, ए की सेविंग्स जो है बी की सेविंग्स से 9 5 45 नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ, इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ ऑफ द इनकम ऑफ बीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। ओके, इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर देन बाय व्हाट परसेंटेज आर द सेविंग्स ऑफ ए मोर देन बीज सेविंग्स। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए की इनकम जो है वो बी की इनकम से 80% है,
ठीक है सॉल्व करेंगे, 2 6 8 2 5 10, तो इनकम का रेशियो क्या आ गया ए और बी का, 4:5। इसी तरह से जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर जो है उसका रेशियो क्या आ जाएगा, जैसे दिया हुआ है ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 60% ऑफ बी के एक्सपेंडिचर के बराबर है। सॉल्व करेंगे 2 3 6 5 10 3:5, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला, इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू द 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। इनकम ऑफ ए, ए की इनकम 4 वो किसके बराबर है, 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। बी का एक्सपेंडिचर कितना है, 5, ये 5 आ गया, ठीक है। कट करेंगे 5 5 5 10, तो ए की वैल्यू तो कितनी आएगी, 9/8। तो इस तरह से इसको देखें तो 4 की वैल्यू 9/2। इस तरह से अगर देखें न्यू इनकम रेशियो, न्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, ये तो हो गया 9/2 और ये कितना हो जाएगा, 5 × 9/8, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी है, 9/8, ने एक्सपेंडिचर कितना रह जाएगा, 3:5। ये सॉल्व करके कितना आएगा, 9 5 45 8। अब क्या बोला है, सेविंग्स, ए की सेविंग्स क्या है, 9/2 - 3, तो ए की सेविंग्स कितनी ज़्यादा है बी की सेविंग से, बी की सेविंग से कितनी ज़्यादा है, बी की सेविंग्स कितनी है, एक्सपेंड इनकम माइनस, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 9 5 40, 5/8, 5/8 तो बी की सेविंग्स है, बी से कंपेयर करना है किसकी सेविंग्स को, ए की सेविंग्स को, ए की कितनी है, 9/2 - 3, तो कितना आ जाएगा, 3 × 6 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, तो 2 6 8 4 12 12 - 5, तो 7/8 / 5/8, 8 से 8 कटा, तो कितना चाह, मल्टीप्लाइड बाई 100 भी चल रहा है, 7/5 × 100 कितना है, 20, तो ये कितना हो जाएगा, 140%, 140% इज द राइट आंसर। कितनी ज़्यादा है, 140% ए की सेविंग्स किससे, बी से। ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अ स्टूडेंट गोज टू द स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 5:1/2 km/h एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 4 km/h। इफ ही टेक्स 4 3/4 hours फॉर द एंटायर जर्नी, देन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इज, तो लेट टोटल डिस्टेंस कितनी मान ली हम लोगों ने, डी मान ली, डी किलोमीटर। उसके बाद बोल रहे हैं कि जब स्कूल जाता है तब 5 से 1/2 की स्पीड से जाता है, और जब वापस आता है तो 4 km/h की स्पीड से वापस आता है, तो डिस्टेंस तो सेम है जब जाएगा, ठीक है, तो डिस्टेंस सेम है। तो क्या कहता है कि जब वो जाता है स्कूल तो 5 से 1/2 किलोमीटर की स्पीड, 2 km/h की स्पीड से जाता है, जब वापस आता है तो 4 km/h की स्पीड से वापस आता है, ठीक है। तो ये अगर स्पीड, इसको सॉल्व करें, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 5 × 10 11/2, ये कितनी आ जाएगी, 5.5। तो देखा जाए तो ये स्पीड ज़्यादा है, ये स्पीड कम है, तो मतलब जो कम स्पीड से आ रहा है जब वापस उसको ज़्यादा टाइम लग रहा हो, और जब जा रहा है उसको कम टाइम लग रहा होगा, ठीक है। तो डी बाई 4 माइनस डी बाई 5.5 बोल दो, या फिर 11/2 ऊपर जाएगा, कितना टाइम लग रहा है, 4 × 16 3 19/4 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 11 - 8, तो 11 - 8 3D/11 × 4 = 19/4, 4 × 4 कैंसिल, डी कितना आ गया, 11 × 19/3,
अच्छा तीन, ठीक है, कितना आ गया, 3 6 टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, अ स्टूडेंट गोज टू द स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 5 1/2 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स 4:3/4 आवर्स फॉर द एंटायर जर्नी देन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इज इन किलोमीटर। तो पूरी जर्नी में उसको कितना टाइम लगा, 3/4 घंटे लगे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं, टोटल डिस्टेंस, लेट द टोटल डिस्टेंस इज कैपिटल डी किलोमीटर, ठीक है। जब स्कूल जाता है तो उसको कितना टाइम लगता है, डी बाई 5/5:1/2 मतलब 11/2, तो ये 11/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2d/11 प्लस जब वापस आता है तो उसको कितना टाइम लगता है, d/4। टोटल जर्नी को तय करने में उसको कितना टाइम लगा, 4 3 4 16 और 3 19 19/4। सॉल्व करते हैं, 4 2 8 8 और 11 8 11 19, d/11 × 4 इज इक्वल्स टू 19/4, 4 से 4 कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल, डी बराबर 11 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, 19 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, द डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी द पाई चार्ट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलोज। डिस्ट्रीब्यूशन डिग्रीज, ये वही पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, पाई चार्ट वही सेम है, ये अपीयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, और ये पास स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। अब उसमें क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर 1200, पास्ड 900। क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट सी, सी से जितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर फ्रॉम इंस्टीट्यूट डी एंड ई। इंस्टीट्यूट सी से कितने परसेंट स्टूडेंट्स पास हुए, 30%। 30% किसका, पास स्टूडेंट्स का, पास कितने, 900। तो कितने हुए पास, मोतिया 27 सी से। अब डी एंड ई में क्या बोला है, डी एंड ई में कितने परसेंट बच्चे अपीयर हुए, डी एंड ई, ये रहा डी ये रहा ई, कितने हैं टोटल, कितने हैं, 9 और 4 14 की 4 हाँ सी लगी 1/4 आया इसको टोटल, ठीक है, 144/360 × 1200 कैंसिल आउट, 12 × 12 = 36 3 6 12 3 8 24 कितना आ गया, 480। तो क्या बोला है, सी में जितने स्टूडेंट्स पास गए हैं वो डी एंड ई के अपीयर्ड स्टूडेंट्स कितने परसेंट है, कितने परसेंट है, ठीक है, कितने परसेंट है, 3 × 27 3 × 3 3 6 18 3 9 कितना आ गया ये 9 × 16 16 × 5 = 80 10 16 × 96 = 96 96 4 16 × 32 32 तो कितना आ गया 56.25%, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 men and 5 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days, ऑलराइट, वेयर एज 9 men and 6 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days। टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 days हाउ मेनी मैन शुड असिस्ट 4 men।
क्या बोला है कि चार आदमी और पांच औरतें मिलकर किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं, उसी काम को 9 आदमी और 6 औरतें 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो बताइए। और पूरा काम जो है वो 7 दिन के अंदर कंप्लीट अगर हो जाता है तो बताइए कि वो चार आदमी को असिस्ट करने के लिए कितनी औरतें लगेंगी। तो क्या बोला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, चार आदमी हैं प्लस 5 औरतें, 5 women एंड ये क्या है मैन, ये women, ये कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, ये 15 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये कैपेसिटी दे रखी है। इज इक्वल्स टू सेम काम 9 आदमी प्लस 6 women कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 10 डेज में। ये कैपेसिटी दे दी, सॉल्व करते हैं, 5 + 15 = 10, ठीक है, 9 × 18 4 × 12 18 और कितना, इसको सॉल्व करते हैं इधर उधर ले जाके, तो ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 × 12 9 × 18 6m और ये 6 × 12 5 × 15 तो कितना आ जाएगा 3w जब ये इधर जाएगा तो ये कितना आ गया 2 से घटा m/w कितना आ गया 1/2। मेल की कैपेसिटी कितनी आ गई 1 और वेमेन की कितनी आ गई 2, ये कैपेसिटी आ गई, एफिशिएंसी आ गई। ये क्या है, एफिशिएंसी है मेल एंड फीमेल की। इसके बाद टोटल वर्क निकाल लेते हैं तो 4m इससे, इस वाली इक्वेशन से 4m, m कितना है 1, ये क्या बता रहा है, ये कैपेसिटी बता रहा है, कैपेसिटी या एफिशिएंसी 4m प्लस 5w 5 × 2 वीमेन की कैपेसिटी कितनी है 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 तो कितना आ जाएगा 5 × 4 × 10 14 × 15 टोटल वर्क कितना आएगा 15 × 60 6 × 15 = 15 और 6 = 21 ये क्या गया टोटल वर्क आ गया। तो कितना आ गया टोटल वर्क, टोटल वर्क आया हमारा 210। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्या बोलता है कि टू कंप्लीट द सेम वर्क, टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 डेज हाउ मेनी वुमेन शुड असिस्ट 4 men। ठीक है, तो 7 दिन में अगर ये काम कंप्लीट करना है मतलब टोटल वर्क जो है 210 है उसको 7 दिन के अंदर कंप्लीट करना है तो कितनी कैपेसिटी चाहिए होगी, मतलब 7 × 21 मतलब 30 यूनिट पर डे काम होना चाहिए। 30 यूनिट काम होगा तो उसके लिए ऑलरेडी जो दिया हुआ है वो कितने हैं, 4 तो आदमी हैं, तो 4 आदमी के साथ एक आदमी की जो है एक आदमी की कैपेसिटी कितनी है 1, कितना बचा 30 यूनिट्स पर डे चाहिए, 30 यूनिट्स में से 4 यूनिट तो मेन से आ गई, बची कितनी 26, 26 के लिए क्या चाहिए होगा वीमेन चाहिए होगी, वीमेन कितनी है वीमेन, एक वीमेन की कितनी कैपेसिटी है 2, तो कितनी चाहिए होगी टोटल 13 × 2 कितनी वीमेन चाहिए होगी 13, तभी जाके क्या बनेगा 26 और तभी जाके क्या बनेगा 30 यूनिट्स पर डे। तो कितनी वीमेन चाहिए होगी 13 वीमेन रिक्वायर्ड, तो आंसर वुड बी ऑप्शन ए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल्स टू -22 है, ए बी सी इज इक्वल्स टू -40 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, इसको मैंने मान लिया एक्स क्यूब माइनस 3 × abc, abc की वैल्यू कितनी दी हुई है -40 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू कितनी है 1,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी नहीं हुई है, तो क्या करते हैं इसको निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है हमको, इसका स्क्वायर करते तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन, इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, एक का स्क्वायर एक इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये कितना देगा माइनस 22, कितना हो जाएगा 44, माइनस के 44 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, उधर जाएगा तो कितना जाएगा प्लस का 44, और वन के साइड ऐड होगा तो कितना बन जाएगा 45, तो इसका प्लस बी इसका प्लस सी स्क्वायर कितना आ गया 45, यहाँ पुट कर देंगे माइनस ए बी प्लस बी माइनस ऑफ, इसको माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर तो ये क्या बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, कितना देगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है माइनस 22, ठीक है, कितना आ जाएगा 145 प्लस 22 कितना आ गया 76, इसका कितना है ये वाला प्लस के 120, तो एक्स क्यूब कितना बचेगा 67 माइनस 120 उधर जाएगा तो कितना बचा 3, 11 में से 6 गए 5, किसके वो भी माइनस के 53, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, द बेस ऑफ राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक पिरामिड है उसका जो बेस है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ईच साइड ऑफ विच इज 20 सेंटीमीटर, इसकी हर एक साइड क्या है 20 सेंटीमीटर की, ईच स्लैंट हाइट स्लैंट एज इज 30 सेंटीमीटर एंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द पिरामिड इज, ठीक है, तो पिरामिड बोला है तो पहले पिरामिड लिख लेते हैं, पिरामिड किस तरह से दिख रहा होगा, पिरामिड जो है कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, ये आपका पिरामिड हो गया, ठीक है, ये पिरामिड हो गया, इसमें क्या बोला है कि ये जो हाइट है सबसे पहले तो ये ईच साइड कितना है 20 सेंटीमीटर और ये जो स्लैंट एज है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर, देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला है कि ये जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक, ये जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक ये कितनी होगी, ये वाली हाइट कितनी होगी, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका ट्रायंगल का ये एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, ये अच्छा गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये आपको बताया कि ये वाली डिस्टेंस जो है वो कितनी होती है √3/2 ए, ठीक है, जो कि इस सर्कल की रेडियस के बराबर है, इस सर्कल किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, तो कितनी हो जाएगी इसकी रेडियस √3/2 ए, ए कितना है 20, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10√3 क्या आ गई इसकी रेडियस आ गया, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है टेन रूट थ्री, हाइट हम लोग को निकालना है और यहाँ से लेकर ये जो 30 है एक्चुअल में है, ये जो 30 है यहां से लेकर ये वाली ये स्लेंट एज दिया हुआ है 30, ठीक है, तो पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस एल स्क्वायर
तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर कितना है 30 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर जो हम लोग को फाइंड आउट करना है, आर स्क्वायर, आर कितना है 10 रूट 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 900 माइनस 100 इंटू 300, तो कितना हो गया एच स्क्वायर 100 300, ठीक है 600 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच क्या हो जाएगा 10 रूट 3, एच विल बी द 10 रूट 3 वुड बी द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23, इफ द अमाउंट ऑफ ए, इफ द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय ए, ऑब्टेन्ड बाय ए बाय इन्वेस्टिंग 9100 फॉर 3 इयर्स एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन द सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय बी by investing a certain sum of money for 5 years at a rate of interest 8% per annum on simple interest, then 90% of the sum invested by B would be how much? ठीक है, तो क्या बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, जितना भी अमाउंट है ए और बी ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और जो अमाउंट ऑफ ए है वो अमाउंट ऑफ बी के इक्वल है, तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, अमाउंट निकालना है इन्वेस्टेड बाय, जो कि इन्वेस्ट करने के बाद 9100 इन्वेस्ट करने के बाद ए को मिला, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पता है 9100, ठीक है ये अमाउंट है, ठीक है अगर इंटरेस्ट पता लग जाए तो अमाउंट पता लग जाएगा, तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट इज ए एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, पी कितना है 9100 मल्टीप्लाइड बाई आर, आर रेट कितना है 10%, ईयर कितना है कितने टाइम के लिए 3 इयर्स के लिए, डिवाइडेड बाई 100, 0 से 00 से 00 कैंसिल आउट, 910 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है तो कितना जाएगा 2730 विद इंटरेस्ट। तो इस तरह से अमाउंट ऑफ ए, अमाउंट ऑफ ए कितना आ जाएगा पी, पी प्लस आई, तो पी कितना है 9100 प्लस आई, आई कितना आया 2730, तो कितना हो जाएगा 037 प्लस 18 2 प्लस 9 कितना हो गया 11, तो अमाउंट ऑफ ए कितना आ गया 11830 रुपीस। इसी के साथ ही अमाउंट ऑफ बी, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू वही प्रिंसिपल प्लस, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बाय बी, प्रिंसिपल दिया नहीं है प्रिंसिपल फाइंड आउट हो जाएगा, अमाउंट ऑफ बी क्या जाएगा पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई 100 मतलब पी क्या है, पी हम लोगों ने क्या लिया है पी बी, बी के लिए पी कितना है प्रिंसिपल पी बी, आर, आर कितना है 8%, टी, टी कितना है 5 इयर्स, 5 इयर्स के लिए दे रहा है, डिवाइडेड बाय 100, सॉल्व करते हैं 4 × 8 25, 5 × 5 25, कितना आ गया पी बी प्लस 2/5 पी बी, सॉल्व करेंगे ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 PB/5, ये आपका अमाउंट ऑप्टेंड बाय बी आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला है ए ए, अमाउंट ऑप्टेंड बाय ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑप्टेंड बाय बी है, तो ऑप्टेंड बाय ए कितना है 11830, अमाउंट ऑप्टेंड बाय बी कितना है 7/5 PB, ठीक है सॉल्व करेंगे 7 × 7 = 42, ठीक है 7 × 63 = 0, तो पी बी बराबर कितना हो गया 5 × 1690 कितना आ जाएगा 0 × 9 = 45 = 5 हाँसी लगी 4 × 6 = 30 30 × 4 = 34 3 × 5 = 3 5 × 3 = 8, तो प्रिंसिपल ऑफ बी, जिसने बी ने जितना इन्वेस्ट किया वो कितना इन्वेस्ट किया 8450। अब क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में क्या बोला 90% ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाई बी,
90% ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाय बी, 90% ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाय बी, तो 90% ऑफ पीबी, या बोल दूं मैं ऑफ 8450 कितना जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 8450 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 ये 0 से 0 ये कब कटा, कितना बच गया, 9545 की 5 इसलिए की 4 9 36 36 5 9545 की 5 हंसी लगी 4 9 36 4 40 की 0 हंसी लगी 4 972 और 4 76 7605 would be the right answer. Option would be option D. ठीक है, तो ये था question number 23. आगे question number 24 की तरफ बढ़ते हैं. 24 क्या कहता है? The volume of solid cylinder is 2002 centimeter cube and its height is 13 centimeter. What is the area of its base? Take pi is equals to 22/7. तो सॉल्व करते हैं. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, किसके बराबर है, 2002 के, 2002 के बराबर है. इट्स हाइट, हाइट कितना दे दिया, आज एच दे दिया 13 सेंटीमीटर. एरिया पूछा है, एरिया ऑफ इट्स बेस मतलब पाई आर स्क्वायर पूछा आपसे, बेस का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो कैपिटल आर स्क्वायर ये पूछे आपको, तो यहाँ पे एच की वैल्यू रखते हैं, एच की वैल्यू कितनी है, 13 इज इक्वल्स टू 2022, ये तो क्या हो गया, एरिया हो गया, तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 13 से डिवाइड कर देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 13 एकम 13 बचे कितने, 7 13 पंजे 65 बचे कितने, 52 रचुक 52, तो एरिया कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 25 नंबर, वो क्वेश्चन आपके लिए होगा होमवर्क. ठीक है, इस क्वेश्चन को ये क्या बोलता है कि द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी इन द लास्ट ईयर इज वाज 4:3. द रेशियोज ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम्स इन द लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर इज आर 3:4 एंड 5:6 रिस्पेक्टिवली. इफ देयर टोटल इनकम इन द प्रेजेंट ईयर इज 24.12 लैक्स, देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए इन द लास्ट ईयर एंड दैट ऑफ बी इन द प्रेजेंट ईयर इज, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा. इस क्वेश्चन का जो है आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में चाहूँगा. ठीक है, जिसका भी आंसर सही हुआ उसको मैं आगे हाईलाइट करूँगा. ठीक है, ओके, थैंक यू. ये क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या कहता है ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 25 जो है आपके लिए है, इसका आंसर जो है मैं कमेंट बॉक्स में चाहूँगा आप लोगों से. ठीक है, क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी इन द लास्ट ईयर वॉज 4:3. द रेशियोज ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम्स इन लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर आर 3:4 एंड 5:6 रिस्पेक्टिवली. इफ देयर टोटल इनकम इज इन द प्रेजेंट ईयर इज 24.12 लैक्स, देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए इन द लास्ट ईयर एंड दैट ऑफ बी इन द प्रेजेंट ईयर इज. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए. ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है और प्रिपरेशन में अगर आपकी हेल्प किया है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए. थैंक यू.